जीजी, अरे क्या हो गया, क्या है? चटन के भाई क्या हुआ? हाँ, भूत भूत देख लिया होगा, मामा ने भूत देख लिया होगा, मैं तो मना कर रही थी। भूत नहीं, भूत नहीं, मैंने पंचम और उसकी बीवी को अपने आजू बाजू देखा। हाँ, क्या बात कर रहा तू, क्या बात कर रहा है ये? पंचम और पिंटू ऊपर है। हाँ, ऊपर मेरे साथ। मम्मी कैसी बातें कर रहे हो, ऊपर कैसे हो सकती है वो दोनों? मतलब वो ऊपर पहुंच चुके हैं। हाँ। यार प्लेन क्रैश हुआ है, कोई ट्रक नहीं पलट गया, जो बचने के आसार है? नहीं, वो लोग मर चुके, मम्मी उनका भूत देख लिया। ओ गॉड, ओ गॉड। चल हम भी चल के देखते हैं। आजा आजा आजा, बता चला। टंटे हो रखे जीजा जी की। फोन फोन दे, फोन करना पड़ेगा। फोन आया, फोन 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 आया, फोन उठा। हेलो 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 जीजा जी, मम्मी पापा चढ़ के मामा सब ऊपर आ रहे, छुप जाओ। जी 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 जी, भाग भाग भाग, निकल निकल निकल, चलती चलती, सामान पैक, सामान पैक, डाल 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 डाल, चल 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 चल, चलो भाग लो, भाग। आसमान खा गया, जमीन निकल गई, बता। देखो मुझे लग रहा है कि इनको ना वहम हो गया होगा। हाँ, अरे जीजा कैसी बातें कर रही हो, मुझे क्यों वहम होगा, जब मैंने देखा था तो बोलता हूँ, मैंने देखा था। जीजा झूठ बोलूंगा, यही पे। तो फिर मुझे तो लग रहा है कि चटंकी भैया ने उन दोनों का भूत देख लिया है। सही कह रही है, तो करो। पिंटू जो है कितनी हसीन और कमसिन औरत थी, जवानी की दहलीज में बस कदम रखा ही था कि पता ना था कि वो ऐसे निकल जाएगी। अरे अरे, मैं वैसे ना कह रहा हूं, समझ ही ना रही है, रो पड़ी है मेरी बात पे। जीजा जी, हाँ, पिंटू का तो कह रहा है, हमें भी बहुत अफसोस है, लेकिन मैं कसम से कह रहा हूँ कि मैंने पिंटू और पंचम को दोनों को मैंने इसी बिस्तर पे देखा। मैं तुम तो झूठ बोल, तुम तुम्हारी कसम झूठ ना बोल रहा हूँ। क्या कह रहा है? सच कह रहा हूँ, यहीं 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 पे थे, यहीं पे थे। अरे बाकी लोग सही हैं, ऐसा जरूरी थोड़ी ना। अरे यार, इलायची जी, सुनीता जी, इलायची जी, अरे सुनीता जी, अरे ये लोग क्या क्या कर रहे हैं? लाइसी जी, सॉरी सॉरी बाबू, सॉरी। आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं रोड पर? वो लाइसी जी, हमें छत पे छुपने के लिए कोई जगह नहीं मिली, तो हम खंबे से लटक कर नीचे तक आ गए। वो जीजा जी, पता है यहाँ पे रायता फैला हुआ है। क्या? ये जो मनाली से प्लेन आने वाला था ना यहाँ तक, अरे यार वो रेडार से बाहर हो गया है, शायद क्रैश हो गया, पता नहीं। और ना अंकल जी आंटी जी को लग रहा है कि आप लोग दोनों ना उसी प्लेन में थे, यहाँ तक कि छटंकी मामा को लग रहा है कि उन्होंने बरसाती में आप लोग दोनों का भूत देख लिया है। अरे इलायची जी, ये तो सही में रायता फैल गया। बताइए ना, बताइए ना इलायची जी, अब क्या करना है, कैसे करें, क्या करें? अब ठीक है, सुनो, एक काम करो, आप ना ललित अंकल के घर पे चले जाओ, ठीक है? मैं उन्होंने फोन कर देती हूँ, और तब तक मैं इन लोग को टरकाती हूँ यार ऊपर से, और जब मैं फोन करूंगी तो चुपचाप आ जाना, चुपचाप शांति से प्लीज, अभी लेकिन अभी जाओ। चलिए चलिए, बाय बाय बाय, अभी वापस आएंगे, ठीक है? बाय बाय, टेक केयर, ओके बाय। अरे यार, ये प्रेशर भी अभी आना था, खाली पड़ा है, चले जाते हैं, चले जाते हैं, जल्दी कर। ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ, कोई नहीं, कोई नहीं। अरे इलायची के पापा, इलायची मैं पर रुको, कहाँ लेके जा रहे हो मुझे? अरे सुन, बहुत तेज प्रेशर आ रहा है, तू आ तो जा मेरे साथ। अरे तो
बाथरूम दो कदम की दूरी पे, मैंने कौन सा पकड़ रखा है, जाओ ना। अरे सुन, बाथरूम में पंचम की आत्मा हुई तो? पंचम की आत्मा बाथरूम में क्या करेगी? अरे सुन, मुझे पूरा शक है मुझे कि पंचम की आत्मा मुझसे बदला लेने आई है। ओहो, पंचम की आत्मा तुमसे बदला लेने क्यों आएगी? तुमने कुछ गलत किया है? कभी कभी मैं उसे डांट दिया करता था। अरे उससे कुछ नहीं होता है, जाओ। अरे तो आ जाना, क्यों भाव खा रही है, बात कर रही है बेकार की। आजा आजा आजा। मेरा शक सही निकला, इस पंचम की आत्मा बाथरूम में मेरा इंतजार कर रही थी। बे यार, सेठ जी ने देख लिया, तू तो गया। यहाँ सेठ जी, क्या हो रहा है? पिंकी जी पूछ रहे हैं। अरे दरोगा जी, एक अजीब सी आत्मग्लानी सी हो रखी है। अच्छा, तुम्हारे जैसे बेशरम आदमी को आत्मग्लानी कैसे हो सकती है भला? दरोगा जी, वो आप तो जानते ही हैं, वो जो मेरे लड़का काम करता था ना, वो पंचम। हाँ हाँ। वो और उसकी बीवी एक प्लेन क्रैश में टैब हो गए। क्या? ओह, अरे ये तो वाकई बहुत ही दुखद खबर है। अरे कितनी सुंदर थी उसकी बीवी। मतलब कि लड़का अच्छा था, वो भी अच्छा ही था। हमेशा अच्छे लोगों को भगवान जल्दी ऊपर बुलाता है, तेरे जैसे लीचल लोगों को नहीं। साहब जी, मैं तो ये कह रही हूँ कि भगवान जो है अच्छे लोगों को जल्दी ऊपर बुला लेते हैं। तो फिर तुझे क्यों नहीं बुलाया अब तक? दरोगा जी, मुझे ऐसा लग रहा है क्या? कि उस लड़के की आत्मा मेरे घर में भटक रही है। चल मंकी चल, अरे चल, थाने में बहुत काम है, हम चलते, हमें बहुत काम हो रही है। बचपन से दिल्ली में रह रही हूँ। अबे हाँ। तुमसे बोल रही हूँ, हट जा। अबे जब बोल रही है हट जा ना, हट ना, चल उधर जाके हटाते जा, जा। अच्छा सेठ जी, चल चल दरोगा जी, चल ना। अरे सुनिए सुनिए। अबे हट। अरे ओहो, बताइए दरोगा हो गए, डर रहे हैं? अच्छे डर तो मुझे भी लग रहा है। अरे सेठ जी, पंचम, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। देख, मैंने तुझे जानबूझ कर नहीं भेजा था प्लेन में, मैं तो पुण्य का काम कर रहा था। सेठ जी, आप ऐसे हाथ क्यों जोड़ रहे हैं? सेठ जी, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? सेठ जी, आप देख देख, तू एक शरीफ आदमी था, हाँ थोड़ा बेवकूफ था, लेकिन अच्छा इंसान था। अरे पापा, ये थोड़ा क्यों लगा रखा है? जीजा जी मरे नहीं है, जिंदा है, और पिंटू भाभी भी जिंदा है। पापा क्या इलू सेल्फी? सुन पंचम, जो प्लेन क्रैश हुआ था उसमें से सिर्फ तुम ही दो बचे हो। हाँ सेठ जी, वो क्या है ना सेठ जी, आपकी आपकी दुआओं का, इलायची जी की दुआओं का, सुनीता जी की दुआओं का, और आंटी जी की दुआओं का असर है कि हम बच गए, वरना सेठ जी कोई नहीं बचा। प्लेन जो ना बहुत भयानक क्रैश हुआ था, सब
मर गए, बस हम लोग ही बचे। अरे क्यों झूठ बोल रहे हो तुम लोग? प्लेन तो क्रैश हुआ ही नहीं था, बल्कि वो तो बादलों में कहीं खो गया था और बाद में खबर मिली कि उसे सही सलामत उतार लिया गया था। क्या? हाँ। लाइफ में टंटे हो रखे हैं पापा। भाई अंकल जी, मेरे तो भाग्य फूट गए। हमें माफ कर दीजिए सेठ जी। हाँ हाँ कर दो, अब तो घुटनों के बल आ गए, अब तो माफ कर ही दो फिर सेठ जी। नमस्कार, हम दोनों न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। जान ले लेगी ये गर्मी इस बार, सबकी जान ले लेगी इस बार। दिल्ली की गर्मी सबकी कमर तोड़ देगी। नॉर्मल इंसान सूख रिए हैं और जिनकी माएं और बीवियां बालों में तेल लगाकर उनको बाहर भेज रही हैं, वो फ्राई हो रिए हैं। आने वाले 24 घंटों में मौसम विभाग के अनुसार ये खबर है कि ठंडी ठंडी हवाएं चलने वाली हैं। मजाक कर रहा था। इस बार दिल्ली की गर्मी सबसे भयंकर गर्मी होगी और लोग झुलसने के लिए तैयार हैं, क्योंकि दिल्ली के लोग अपनी किस्मत में झुलसना लिखवा के आए हैं। आज के समाचार के लिए बस इतना ही। आगे की ताजा खबरों के लिए देखते रहिए हम दोनों न्यूज चैनल। लची के पापा, कितनी भयंकर गर्मी पड़ रही है, कुछ करो ना। क्या करूं है? मैंने भट्टी लगाई जो गर्मी पैदा हो रही है, पता मेरी क्या गलती है इसमें? बात कर रही है बेकार की। ओहो इलायची के पापा, गर्मी कम करने के लिए कुछ तो करो। एक काम कर, खड़ी हो जा, मैं फूंक मार देता हूं। इलायची के पापा, अब तो एसी लगा दो, पैसे भी तिजोरी में पड़े पड़े पसीने में भीग रहे होंगे। अच्छा एसी लगा दूं मैं? हाँ। तुझे पता है एसी कितनी बिजली खाता है? और बिजली कोयले से बनती है। अगर एक बार देश में कोयला खत्म हो गया तो फिर वापस ना आने वाला। अरे लोगों को देश की ना पड़ी है, लेकिन मुझे पड़ी है। मैं चिंता करता हूँ देश की, मेरे अंदर देश प्रेम है, इसलिए मैं पहले देश के बारे में सोचूंगा। बात कर रही है तू भी? देश प्रेम है और पत्नी प्रेम नहीं। देखो इलायची के पापा, बात को ज्यादा घुमाओ फिराओ मत। मैं अच्छे से जानती हूँ तुम बिजली नहीं बिजली का बिल बचा रहे हो। हाँ बचा रही हूँ, तू क्यों इतनी चिचिया रही है बोल। अरे लोग जिम में जाकर के कसरत करते हैं, पसीना बहाते हैं, तब जाकर उनका वजन कम होता है, और तू तो बैठे बैठे ही पतली हो रही है। सबसे ज्यादा गर्मी का फायदा तो तुझे ही है। देखा, गर्मी को भी मेरे मोटापे से ला के जोड़ दिया तुमने। मेरा मजाक उड़ाने का कोई बहाना नहीं छोड़ते हो, अब तुम्हें नया बहाना मिल गया है। मेरे तो भाग ही फूट गए। अरे ज्यादा मत रो, कुछ तो पानी शरीर के अंदर रहने दे। सारा पानी शरीर का अगर निकल गया तो धम्म झगड़ जाएगी, फिर कोई उठा ना पाएगा तुझे। यार इलू, कितनी सड़ी हुई गर्मी पड़ी हुई है यार। इलू अंकल जी तो इतने रईस है ना, तो उनको कह के एसी क्यों नहीं लगवा लेती पूरे घर में? बोला था मैंने, लेकिन फिर बोलते हैं कि स्किन सुकुड़ जाती है वो एसी की हवा से। और यार जीजाजी तुझे पता है ना, भाव नहीं देते मुझे। और अगर स्किन सुकड़ गई ना, जो थोड़ी बहुत स्माइल देते थे ना कभी, वो भी देना बंद कर देंगे यार। मैं चांस नहीं सकती जीजाजी के मामले में। है इलू, तू ना दुनिया को बनाती है, पर इस बार अंकल जी तुझे बना गए। कोई स्किन में नहीं सुकड़ती है इसी से कुछ भी मतलब। इलू गर्मी वाली सेल्फी। अरे यार हम लोग अपना सोच रहे हैं यार, तू ऊपर का तो सोच, मतलब सोचना यार। प्रसाद तो एकदम तंदूर हो रही है, तंदूर। वहां तो वेंटिलेशन भी नहीं है यार, दोनों बेचारे भीगी जवानी के पोज में पड़े होंगे। हाय नाइट्रोजन हाइड्रोजन। हाय इलू, पिंटू अभी कितनी क्यूट लग रही होगी ना, जब उनकी वो किराए की जुल्फों से पसीने की बूंदे टप टप करके टप रही होंगी। स्वार्थी, कितनी स्वार्थी है तू यार। तो मतलब यहाँ पे वो बेचारे गर्मी से मर रहे हैं
और तुझे रोमांस सूझ रहा है? नहीं नहीं, काम कर, तू तवे पे ना, जलते तवे पे ना उनको सेक दे पिंटू भाभी को, फिर देखना लाल लाल कितनी क्यूट सी लगती है पिंटू भाभी। ओफो यार इलू, चिंता तो मुझे भी है ऑब्वियसली, मतलब मैं भी पिंटू भाभी का नाम सुन के ना रोमांटिक सी हो जाती हूँ। चलना यार देखने चलते यार उनको, मुझे ना बड़ी चिंता सी हो रही है दोनों की। चल चल चलते, ये साथ ही ले जाते, गर्मी बड़ी है। अरे छोड़ यार, चल आ जा। ओम हर हर गंगे, हर हर गंगे, ओम नमः शिवाय। भाई ये गर्मी ने तो बर्बाद कर दिया यार, और तू ये क्या कर रहा है भाई, ये क्या छिड़के जा रहा है पानी अपने ऊपर? ओ भाई डोसा बनाने की तैयारी कर रहा हूँ, देख रहा हूँ छिड़क के कि तवा गर्म हुआ या नहीं। भाई मुझे लग रहा है तेरा ना गर्मी ने दिमाग खराब कर दिया है, क्या उल्टी सुलटी बातें करे जा रहा है। अरे दिमाग खराब नहीं कर दिया भाई, तुझे दिख नहीं रहा, पानी छिड़क के अंदर शरीर को ठंडा कर रहा हूँ। डाल डाल मेरे ऊपर डाल। मजा आ गया भाई। कुछ मजा ना आ गया? अब आएगा मजा भाई नहाने में, मतलब सोने में। अरे कुछ मजा ना आएगा सोने में, बस अभी 10 मिनट में फिर से सूखा पापड़ बन जाएगा, कुछ ना होने वाला भाई ऐसे पानी डाल डाल के। जीजाजी छत पर है? ओके। अरे यार ये इलायची जी बिना पता नहीं कैसे कैसे टाइम आ जाती है। इलायची जी ये सही बात नहीं है, किसी भी समय आ धमकना गलत बात है। अरे यार जीजा जी, आपको इस तरह खुले में नहीं नहाना चाहिए था, ये तो गलत बात है ना, कोई आपको देख लेगी तो। हाँ हाँ सभी लोग दूरबीन लगा के बैठे हैं ना, हमें क्या देखने लायक। ये तो आप मुझसे पूछे। हाँ जी जी, मेरे कहने का मतलब है कि आप ऐसा रिस्क क्यों ले रहे हैं यार, ऐसे खुले में नहीं नहाना है। इलायची जी हम नहा नहीं रहे थे, गर्मी के कारण पानी अपने ऊपर डाल के ठंडा ठंडा महसूस कर रहे थे ताकि गर्मी ना लगे। अरे इससे कुछ नहीं होने वाला है, पापा से बोलो कि आपके कमरे में ना कूलर लगवा दें। इलायची जी हमने कोशिश की थी, आपको क्या लगता है कि हमने कोशिश नहीं की? हमने सेठ जी को इशारा दिया था लेकिन उन्होंने हमें बोला बिना पैसे के बिना वीजा के दुबई के मौसम के मजे लो और शिकायत मत करो। ऐसे इशारों विशारों से मेरे पापा बात नहीं मानने वाले हैं। एक काम करो, कल ना आप दुकान में जाना और बेहोश होने का नाटक करना, मतलब चक्कर खाकर गिर जाना, लेट जाना, और फिर बोलना सेठ जी इतनी गर्मी थी कि नींद नहीं आई, कमरे में कूलर लगवाओ वरना ऐसे लेट आएंगे। इलायची जी आपके ये उपाय अपने पास रखें, हम संगीतकार बनने आए हैं, हम कोई अभिनेता थोड़ी ना कि चक्कर आके सेठ जी के सामने हम नाटक करें। ट्राई तो करो यार। नहीं इलायची जी हमें ऐसे ऐसे नहीं ट्राई करना है कुछ। पिंटू भाभी ये गर्मी में आप कंबल लपेट के क्यों टहल रही हैं? गर्मी कहाँ है गर्मी, इतनी ठंडी तो हवा चल रही है, हमें तो बहुत ठंड लग रही है, सच बता रहे हमारी ठंड के मारे हमारी तो किट्टी बन गई है, दांती बज रही है। सेल्फी। हाँ हाँ ले लो ले लो। अच्छा हम ये कह रहे हैं ना कि सेठ जी से हम बात करके देखें, कहा कि सेठ जी ना हमें किसी चीज के लिए मना नहीं करते हैं, मतलब हमें वो अपनी बहू बेटी मानते हैं। हाँ वैसे आइडिया बुरा नहीं है, वैसे गर्मी बहुत हो रही है, नींद भी नहीं आ रही है, और जीजे जी की हालत तो नहीं लग रही है गाना सुनाने की, लेकिन क्या कर सकते फिर, आइसक्रीम खाने चलते हैं, बड़ा मजा आएगा। नहीं हाँ चलो। कौवा आप नहीं लाइसी जी, हम आइसक्रीम खाने नहीं जा सकते। ठीक है तो फिर हम भी नहीं जाते, यहाँ बैठ के गप्पे वप्पे मार लेते हैं, नींद तो हमें भी नहीं आ रही है। ठीक है ना जीजा जी, गुड गर्ल्स बन के बैठेंगे, पिंकी प्रॉमिस। सी तो ठीक है ठीक है। गर्मी के मारे भैये बुरा हाल हो रहा है, आग लग रही है आग। और इलायची कैसी है? अरे आओ आओ सेठ जी, देख रहे हो कितना कमाल का इंतजाम किया है मैंने, हैं दिल खुश हो गया ना तुम्हारा।
अरे है क्या ये? अरे तुम बैठो तो, आज तुम्हारी डुबो डुबो के मसाज करूंगा मैं। नहीं नहीं, मेरा मतलब ये हो रहा है कि भिगो भिगो के बढ़िया चंपी करूंगा। आओ बैठ जाओ, अब तुम्हारे पास गर्मी ना पाएगी, अगर आएगी तो टकरा के लौट जाएगी। आ जाओ, एक मिनट, आ रहे हो? चश्मा ले मेरा। आ जाओ, आ जाओ। अरे घड़ी भी ले ले। हाँ दो ले रख। अरे वाह छोटे, वाह। मजा आ रहा है? अरे वाह। अच्छे से बैठ जाओ सेठ जी। अरे वाह छोटे, वाह छोटे। मुझे ना पता था कि तुझे मेरी इतनी परवाह है। अरे ना ना सेठ जी, तुम्हारी परवाह वरवा ना है। असल में क्या हो रहा था कि गर्मी की वजह से जितने कस्टमर आ रहे थे ना मेरे पास, बस दूर ही से राम राम कर रहे हैं, दुकान के अंदर ना आ रहे थे। मैंने सोचा, मजा आ रहा है यार तू, मैंने सोचा सेठ जी कि बढ़िया सा स्विमिंग पूल कर दूं ना अगर फ्री फंड का, तो लोग आएंगे देखने, इस बहाने मसाज करवा लेंगे, चंपी करा लेंगे। असल में बात ऐसी है कि फ्री फंड की मतलब मुफत खोरी की आदत हो गई लोगों को। तुम्हारी बात ना कर रहा हूं, तुम तो अपने हो। मेरी नैया डूब गई। अरे कहां सेठ जी, उस लड़के के चक्कर में पड़े हो तुम, इस ठंडे ठंडे पानी में मसाज का आनंद लो। अच्छा सुन, मजा आ रहा है? हाँ मजा तो आ रहा है, लेकिन सुन एक बात बताऊं छोटे। हाँ बोलो। गर्मी बहुत हो रही है, तू अपनी दुकान में एसी क्यों ना लगवा लेता? अरे सेठ जी मैं क्या बताऊं, आदमी की औकात देख के लगाया जाता है एसी। अबे तेरी औकात किसी से कम है क्या? अरे असल में सेठ जी मैं अपनी औकात की बात ना कर रहा हूँ, लोगों की औकात की बात कर रहा हूँ। जो आते हैं ना मेरी दुकान पे, उनकी औकात ना है कि एसी लगा के उनको ठंडा करूँ। वो पंखे के लायक हैं, एसी चला दूंगा ना तो पता क्या होगा, नजला हो जाएगा सर्दी से। हाँ सेठ जी, लड्डू लड्डू लीजिए। लो लड्डू खा लो छोटे, तू भी ले बेटा। वही छोटे, ये सब क्या हो रहा है? पिंकी जी पूछ रहे हैं। अरे दरोगा जी कुछ नहीं, गर्मी का मौसम आ गया ना, तो थोड़ा सा कस्टमर को मतलब मजा आ जाए। और भैया मंगी जी, भैया लड्डू किस बात के बांटे जा रहे हैं? दरोगा जी का तबादला हो रहा है क्या? अरे वाह फिर तो बहुत बढ़िया बात है, फिर तो और गलाओ भाई। अरे ऐसा होता तो मैं खुशी से पागल होके नाच रहा होता, पर ये कहीं ना जाने वाला, यही मेरी छाती पे मूंग दलेगा साले। सालों तक रहेंगे आप, यही कह रही था मैं। हाँ वो तो है मंगीलाल। देखो भाई दरअसल बात ये हो रही है कि हमने ना अपने थाने में एसी लगवाने की अर्जी रखी थी। हाँ तो वो मंजूर हो गई है, अब हमारे थाने में एसी लगने जा रहा है।